हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह ही सब्जियाँ खरीदी थी और मूली का अचार, ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि मूली का अचार बना लो, तो वही यहाँ पे मूलियाँ ले ली हैं, उनको छील लिया है अच्छे से, और छीलने के बाद बस काट रही हूँ। तो काटने के लिए कोई भी गोले लंबे जैसा शेप पसंद है वैसे काट लीजिए, अचार तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस मूलियों में थोड़ा सा नमक डालूंगी और नमक डाल के इनको रख दूंगी 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद धूप लगवा दूंगी। तो मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो पानी निकल जाता है, उसके बाद थोड़ी सी धूप लगने के बाद हम अचार बना लेते हैं तो अचार अच्छे बनते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सुबह का टाइम था तो कपड़े मैंने कभी नहाने से पहले धुल लेती हूँ, कभी बाद में, तो आज मैंने ऐसे भिगो दिए थे सर्फ में। और थोड़ा सा ऐसे पैर से करने के बाद ना हल्के से ब्रश मार दूंगी या फींच दूंगी तो छूट जाते हैं कपड़े, और जो चैन जिनमें ज़्यादा वो कुछ सो वगैरह लगा रहता है वो तो हाथ से ही अलग ही धुल के हटा देती हूँ। और कंघियाँ भी मैं कपड़ों के साथ ही धुल देती हूँ, भिगो के रख देती हूँ कभी कभी, क्योंकि साफ़ रहती हैं कंघियाँ, करने में अच्छी लगती हैं। और पहले वॉशिंग नहीं थी, एक बार हाथ में इन्फेक्शन हो गया था तो उसी समय मैं ऐसे इस तरह से धुलने लगी, तो अब मुझे आसानी होती है। और डेली के कपड़े फिर इकट्ठा मैं रखती भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता वॉशिंग लगाने में डेली डेली, और उसमें मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं हाथ से ही 2-4 कपड़े फट से धुल के डाल दूं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं बेडशीट वगैरह, ज़्यादा कपड़े होते हैं तब वॉशिंग लगाती हूँ। वॉशिंग का कोई वो नहीं है कि मैं वॉशिंग का 1 हफ्ते 2, ऐसा कुछ नहीं है। जब मतलब देखती हूँ कपड़े ज़्यादा हैं तो वॉशिंग लगा देती हूँ, नहीं थोड़े बहुत कपड़े डेली हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ, और आसानी भी रहती है इस तरह से करने से। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, तो किचन में आज सुबह ही मैं दोपहर का भी खाना बना ले रही हूँ और नाश्ते की भी तैयारी हो रही है साथ साथ से। मैं कहीं दोपहर में कहीं जाना था तो यहाँ पे बस आज सैंडविच बन रहे थे तो दीक्षा भी आ गई थी। ये वाले सैंडविच जो हैं बड़े आसानी से और बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो बस उसकी तैयारी कर रही थी दीक्षा। और मैं यहाँ पे राजमा भिगो रखा था उसी के लिए बना रही हूँ, मतलब पेस्ट वगैरह, ये तो प्याज लहसुन और मिर्च अदरक ये डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। तो 1-2 प्याज डाल लीजिए और लहसुन की कुछ कलियाँ और मिर्च और प्याज, इसका पेस्ट बन जाता है अच्छा सा। उसके बाद यहाँ पे टमाटर, तो इस तरह से राजमा बहुत जल्दी से बन जाता है और अच्छा भी बनता है, सिंपल, इसमें मसाले नहीं डालती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा राजमा बनता है। और यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन मिर्च अदरक इसको पीस के पहले पेस्ट रख लिया था, उसके बाद टमाटर पीस ले रही हूँ। और दीक्षा ने यहाँ पे पत्ता गोभी शिमला मिर्च और गाजर वो कद्दूकस करके रखी हुई है, तो उसका सैंडविच बनेगा। तो यहाँ पे बस मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और अब इसमें थोड़ा सा हींग जीरा और थोड़ा सा तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते ये डालूँगी छौंक में। और राजमा मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था और उसको सुबह ही रख दिया था, जब झाड़ू वगैरह लगा रही थी तभी बॉयल हो गया था, तो अच्छे से जब रात में भिगो देते हैं तो बढ़िया हो जाता है। और सुबह बस 2-4 सीटी लगवाई और हो जाता है, नमक डाल के ही मैंने बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे पेस्ट को डाल दिया था जो मैंने पेस्ट बना रखा था, और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन जो छीला था, एक्स्ट्रा छील लिया था, तो उसको रख दिया है डिब्बी में। और ये मतलब लहसुन हमेशा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा छील के रखती हूँ, तो उससे कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट से मिल जाते हैं लहसुन छीले हुए। और यहाँ पे टमाटर डाल दिया है मैंने, तो ये सुबह सुबह नाश्ते में बस आज सैंडविच बन रही है। तो कभी कुछ बच्चों के लिए होते ही है कि कुछ और डेली डेली एक ही चीज़ खा के बोर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बस बन जाता है कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, बस ये 3 चीज़ डालेंगे इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। तो इस तरह से ये राजमा बहुत अच्छा बनता है, ज़्यादा मसाले वगैरह अच्छे नहीं लगते इसमें राजमा में, सिंपल तरीके से इस तरह से बना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये पत्ता गोभी जो कद्दूकस किया था वो इस बाउल में डाल लेंगी, और शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च थी, 3-4 गाजर थी और 1 छोटी पत्ता गोभी थी, तो इसको कद्दूकस किया था। और इसमें और ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है और इसको फ्राई वगैरह भी नहीं करते हैं, तो ये मायोनीज डाल के बनाएंगे। तो इस तरह से भी सिंपल तरीके से जो ये सैंडविच बनती है और इजी है और जल्दी बन भी जाती है और अच्छी भी लगती है खाने में।
तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ये काली मिर्च उसमें ही कूट के इसने खलबट्टे में ही कूट ली थी, तो थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मायोनीज अब इसमें मिला देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो इसके बाद बस इसमें और कुछ नहीं मिलाना होता। तो यहाँ देखिए राजमा मेरा बहुत अच्छे से पक जाता है। और उसके बाद इसको मैंने आधा पेस्ट बना लेती हूँ राजमा को, मतलब पूरा नहीं, आधे को इसी मिक्सी वाले जार में डाल के पीस देती हूँ और आधा खड़ा ही रहता है। तो इस तरह से जब इसमें डालती हूँ राजमा में तो अच्छा गाढ़ा गाढ़ा और बहुत, मतलब राजमा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता। तो उससे मतलब छोटी एक कटोरी में राजमा भिगोती हूँ, उससे मतलब सब लोग का बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से बनाने से अच्छा टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे ये 4 चम्मच, बड़े चम्मच से 4 चम्मच मेयोनीज के इसमें डाले थे। तो ये मेयोनीज वाली भी काफ़ी टेस्टी लगती है जो फ्राई करके बनाते हैं उस जैसे, मतलब सबका अलग अलग टेस्ट होता है। वैसे भी अलग अलग से बनाते रहना चाहिए, हर चीज़ का अलग स्वाद होता है। बस ये मैंने राजमा पीस के इसमें डाल दिया, जो आप लोग को बताया था मैंने कि आधा राजमा इसमें मैं पीस लेती हूँ। तो इससे बढ़िया होता है, जैसे मैश करना पड़ता है कलछुल डाल के तो उसमें टाइम लगता है, तो इस तरह से जल्दी से हो भी जाता है और अच्छा बनता है। इसके बाद पानी अपने हिसाब से डाल देना है और पक जाए तो, नमक तो पहले से ही डाल रखा है तो बहुत हल्का सा डालूंगी मैं। और बॉयल करते वक्त राजमा में डाल देते हैं, बाद में नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बस बन जाएगा, धनिया डाल दूंगी, हरी धनिया, और बन गया मेरा राजमा। और इसके बाद मैं चावल डालूंगी और रोटी के लिए आटा सिर्फ गूंद के रखूंगी। रोटियां जिस समय खाना होगा उस समय रोटियां बन जाएंगी। तो बस यहाँ पे यही दोपहर का है, और सुबह का तो देख ही रहे हैं आप लोग क्या बन रहा है। तो जो इसका ये साइड का ब्रेड के होता है तो ये थोड़ा टाइट सा होता है, इसको काट करके निकाल देने से तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ से कैंची से ऐसे साइड वाला निकाल देंगे और इसको भी फेंकेंगे नहीं, ये भी यूज में आ जाता है, इसके बहुत सारे यूज हैं। और मैं इसका क्या करूँगी वो आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी फेंकना, वेस्ट नहीं करना है, काट के रख देना है और ऐसे सैंडविच बना के इसको। और हम लोग ब्राउन ब्रेड ले आएँ क्योंकि ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी होता है, अच्छा होता है खाने के लिए। वैसे वाइट वाले ब्रेड में और अच्छा लगता है वाइट वाले ब्रेड में बनाने से ये, लेकिन हेल्दी की वजह से इनने ब्राउन ब्रेड लाया था तो हमने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए जैसे लाते हैं तो ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो वो सही रहता है। और ये बनाने का मन हो गया, सब्जियां ले रखी थी तो हमने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, नहीं वाइट वाले ब्रेड में बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर बटर मैंने ले लिया, इसमें बटर लगाना था तो बटर को यहाँ पर गर्म पानी में ऐसे डाल दूँगी तो ये पिघल जाएगा अच्छे से लगाने के लिए ब्रेड में। इस तरह से करके लगाने में आसानी होती है। तो बस इसको पिघला लिया है और इसके बाद ब्रेड में इसको अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पे बस ये ब्रेड में लगा रही है बटर को। तो वैसे कटोरी वगैरह हम जैसे डाला है कटोरी में गरमाने लगते तो कटोरियाँ जल जाती हैं, बेकार लगता है। तो ऐसे गर्म पानी में रख देंगे तो पिघला भी रहेगा और लगाते जाएंगे और फिर से दोबारा से अगर जम जाता है तो, क्योंकि ठंडियों में ज़्यादा, इतनी गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन ठंडियों में बटर एकदम मतलब जमा ही रहता है। और उसके बाद इसको जो हमने बना के रख रखा था सारी सब्जियों को मेयोनीज सब डाल के, इसको सिर्फ अंदर भर देना है। और उसके बाद इसको चाहे नाइफ से, चाहे पिज्जा कटर है
उससे बस इसको काट देना है और ये सैंडविच तैयार हो गए हैं। तो है ना, सिंपल और आसान सैंडविच बनाने की तरीका, तो ऐसे बना के ज़रूर, और मैनूज बड़े आसानी से मिल जाता है मार्केट में, कहीं भी ग्रोसरी शॉप पे आप जाएंगे तो बस यहाँ पे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। तो आ जाइए, आप लोग भी खाइए, और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए सैंडविच बन गए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये वाले सैंडविच भी बहुत अच्छे, वैसे तो बनाए दीक्षा ने हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं सैंडविच सुबह सुबह नाश्ते में। और वैसे तो मैंने राजमा बना लिया है, राजमा चावल, आज दोपहर में कुछ और बनाने की प्रोग्राम है तो इसलिए मैंने सुबह सुबह खाना भी बना लिया है। और तो यहाँ पे जो 2 घंटे हो गए थे मूली को रखे हुए, तो मैंने उसका यहाँ पे धूप में ले गई हूँ रखने के लिए। और यहाँ पे बर्तन किचन करने के बाद, जैसे कभी कोई मेरा डिब्बा वगैरह खाली होता है, किचन की रुमाल हो गई, तो उसी टाइम पे मैं साबुन रखी रहती हूँ, तुरंत ही धुल लेती हूँ साथ ही साथ सुबह के टाइम में, और धूप में डाल देती हूँ, तो इस तरह से किचन की रुमाल भी साफ़ रहती हैं और डिब्बे वगैरह भी साफ रहते हैं। और मूली को रख दिया है धूप में, और थोड़ा सा धूप सेकी बैठ के थोड़ी देर, कभी खाली होती हूँ तो थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है धूप में बैठना, नहीं तो काम तो लगे ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठती हूँ, मेरा सर दर्द होने लगता है धूप में बैठने की वजह से या वैसे ही। तो यहाँ पे बस यहाँ पे मूली मैंने फैला दी है, अब इसमें धूप लग जाएगा और शाम को इसमें फिर इसको अचार बना लूँगी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और थोड़ा सा तेल गरम करूँगी इसमें, मतलब सरसों का तेल थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा मूली नहीं है, तो थोड़ा सा ही मैंने तेल डाला है। और इसको अच्छे से गरम कर लेना है, जैसे धुआं निकलने लगता है उतनी देर के लिए गरम कर लेना है, उसके बाद बंद कर देना है गैस को, ठंडा हो जाने देना है। और उसके बाद यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी राई, और थोड़ा सा मंगरेल बोलते हैं हम लोग के यहाँ, वैसे शायद कलौंजी भी बोलते हैं इसको, तो उसको बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिया है मैंने। और इसको अच्छे से थोड़ा भूज लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूजना है, थोड़ा सा ही, मतलब हल्का सा कलर चेंज हो जाए, महक आने लगती है, बस उतना ही भूजना है। और मिक्सी के जार में इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और इसको पीसने के बाद बस मूली में डाल दिया है, तो नमक मूली में काफ़ी था, मैंने जो डाल रखा था तो नमक बहुत ही कम मैंने डाला है, क्योंकि पहले से ही नमक था इसमें, और मैंने मूली एक डाल के मुंह में देख भी लिया था, तो इसलिए नमक डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने डाला थोड़ी सी हींग, और उसके बाद डाली थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और यहाँ पे डाला थोड़ा सा मिर्च पाउडर, उसके बाद ये आधी कटोरी विनीगर डाला है इसमें, और तेल ठंडा हो गया तो ये तेल डाल दिया है। तो बस इस तरह से ये अचार मेरा बनके तैयार हो गया है, मूली का अचार, और बहुत अच्छा बना है, बच्चे भी खा रहे हैं और इनको भी बहुत पसंद आया। तो इस तरह से आसानी से फटाफट से मूली का अचार बन जाता है, और हर सीजन का अचार बना के खाते रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय।